नमस्कार दोस्तों, टोटके मंत्रा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक पीपल के पत्ते से वशीकरण करने का टोटका। दोस्तों पीपल के पत्ते से वशीकरण करने का टोटका महाशक्तिशाली टोटका है। पीपल के पत्ते से जो वशीकरण हो जाएगा कभी टूट भी नहीं पाएगा। दोस्तों यह वशीकरण बहुत महाशक्तिशाली वशीकरण है। इस वशीकरण करने से आपका प्रेमी हो या पति हो आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों किसी के भी लिए यह उपाय वशीकरण का आप करते हैं, नहा धोकर सबसे पहले साफ कपड़े धारण करें और नंबर दूसरे पे किसी भी प्रकार का सेंट, इत्र, परफ्यूम कुछ भी ना लगाएं। उसके लिए दो पीपल के पत्ते लेकर आने हैं, एक तेल की आपको दिया लगाना होगा और दो पीपल के पत्तों के ऊपर, एक पीपल के पत्ते के ऊपर आपका नाम लिख लें और अपनी उम्र लिख लें और बीच में स्वास्तिक का आप चिन्ह बना दें। और जिस लड़की या लड़के के लिए आप कर रहे हैं, जैसे कि मैंने सविता नाम लिख दिया, उसकी 23 साल की उम्र लिख दी, अगर वह लड़की आपसे बात नहीं करती, वह लड़की आपसे दूर चली गई है, तो उसका आप मोबाइल नंबर लिख दें। तो दोस्तों यह लिख दें और दूसरे पत्ते के ऊपर एक मंत्र आप लिख दें, वश सविता करूं करूं वशम वशीभूत मम, और नीचे स्वास्तिक का निशान लगा दें। दोस्तों यह महाशक्तिशाली पावरफुल टोटका है और जिस प्राणी का आपने वशीकरण करना है उस पर्सन की आपको फोटो लेनी होगी, उसके ऊपर थोड़े से मात्रा के अंदर चावल लेने होंगे, जो चावल और थोड़ी सी आपको हल्दी ले सकते हैं या आप किसी भी प्रकार से पीली चीज ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं, और थोड़ी सी मात्रा के अंदर इसको इसमें मिक्स कर लें और करने के बाद में इस प्रकार से आपको उस फोटो के ऊपर 51 बार वश सविता करूं वशम वशीभूताय मम, इस प्रकार से आपको सिर्फ 51 बार बोलना है। यह 51 बार बोलने के बाद में उस पीपल के पत्ते के ऊपर इसका इस प्रकार से रख लें और इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लें, इस प्रकार से फोल्ड कर लें। और दोस्तों इसके अंदर किसी भी धागे से इसको बांध लें कि ये खुले ना। इनको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे इस प्रकार से ही ऐसे के ऐसे ही आप रख दें और रखने के बाद में जोंसी ये आप दिया जलाया होगा इस पीपल के ऊपर ले जाकर रख दें। जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे इस प्रकार से आप रख देंगे, रखने के बाद में आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। घर आने के बाद में थोड़ा सा मीठा खा लें और मात्र 3 घंटे में आपका प्रेमी हो या पति हो वह आपसे कॉल करने लग जाएगा। अगर आपके सामने होगा तो आपको बड़े प्यार से बात करने लग जाएगा। दोस्तों यह महाशक्तिशाली पावरफुल टोटका है। इस टोटके से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद दोस्तों।